आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पेगागस जासूसी मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। उनकी रक्षा करती है, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। इसीलिए आज महामहिम राज्यपाल महोदय से महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है, और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह की इस्तीफे की मांग की है, और हमारी मांग है संसदों की कमेटी JPC संसदीय समिति से जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो हमने आवेदन दिया है महामहिम राष्ट्रपति के नाम से उनको भेजने का कहा है, उसके साथ साथ हमारी मांग है जिस ढंग से जब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आती है कहीं ना कहीं चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे मीडिया घराने हो, पत्रकार हो, साइंटिस्ट हो, चाहे जजेस हो, सबके साथ इस ढंग से घिनौना कृत्य किया है, ये क्षमा योग्य नहीं, इस पे कार्यवाही होनी चाहिए, हमारी मांग है। कल आप लोगों ने ये कहा था कि रमन सिंह से भी कुछ लोग यहाँ पे मिले थे, रमन सिंह ने कहा है कि जिससे जांच करवा रहे हैं करवा ले करके खुली चुनौती दी है। देखिए डॉक्टर रमन सिंह जी, अगर उनको इस जांच से इतना घबराहट क्यों है, अगर जांच हमारी सरकार कर रही है तो उसका सामना करना चाहिए। उन्होंने 2017 में इजरायली कंपनी के अधिकारियों को यहाँ बुलाकर 2018 में फिर से सपने बनाने का, मुंगेरी लाल के जो सपने देख रहे थे, मगर छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज 14 सीटों पर है, आज किस बात की घमंड है डॉक्टर रमन सिंह जी को, हमारी सरकार अगर जांच करा रही है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू।